तितर कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसकी आवाज मुसर्रत का पैगाम होती है। तितरों की आवाजों का जादू पंजाब के शहर जेलम में बढ़ चढ़ कर बोला। काले तितरों की आवाजें निकालने का मुकाबला मुनक्कद हुआ तो पंजाब भर से लोग खींचे चले आए। फैसलाबाद के शहीद इखलाक शाह के तितर ने 251 आवाजें निकालकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जेलम के शेख नदीम के तितर ने 229 आवाजें निकालकर दूसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि इन मुकाबलों को पजीराई मिल रही है। ये दीना में जो सियाह तितर टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ है, ये 16वां आल पाकिस्तान सियाह तितर टूर्नामेंट है और इस शौक को पजीराई मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब में पहले इसके लाइसेंस बैन थे। अभी मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन महकमे को नहीं मिला। लाइसेंस के खुलने से मज़ीद इस शौक को पजीराई मिलेगी और बहुत दूर से इसमें लोगों ने शिरकत की है, मुल्तान से, कोटद्दू से और पेशावर से, रावलपिंडी से तकरीबन 315 तीतर इसमें शमूलियत इख्तियार की है। मैं फैसलाबाद तांदलियावाला से आया हूं जी और मैं तकरीबन 19 साल से शेख साहब के टूर्नामेंट पे आ रहा हूं और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम पार्टिसिपेट करते हैं। सिंध में भी जा रहा हूं, पंजाब में भी। मेरा बड़ा पुराना शौक है, बचपन से ये शौक है। टूर्नामेंट में मुल्क भर से लाए गए 315 काले तितरों में मुकाबले कराए गए। शदीद गर्मी के बावजूद शमियाने लगाकर तितरों की बस्ती सजाई गई। जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। तितरों के इस मुकाबले में शिरकत के लिए आए शाकीन का कहना था कि ये कायनात का वाहिद परिंदा है जो सुभान तेरी कुदरत कहकर हर वक्त अल्लाह ताला की तारीफ करता है।